ओके तो वहाँ पे जो विंड ब्लो होती है जिसको चिनूक विंड कहा जाता है, जैसे शीतलहर मानी जाती है, उस टाइप की विंड्स वहाँ पे ब्लो होती है। उसके साथ साथ वहाँ से हॉट विंड्स ब्लो होती है जो कि पैसिफिक ओशन की तरफ से ब्लो होती है, जो कि प्रारिस की उन रीजन जहाँ पर स्नो कवर्ड रहती है तो उन स्नो को पिघला देती है, जिससे कि एनिमल्स के लिए वो ग्रेजिंग लैंड्स क्लियर हो जाते हैं, वहाँ पर जाके वो ग्रेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो डोमिनेंट जो जो स्पीशीज पाई जाती है एनिमल्स की, वो सारी हार्बिवोरस स्पीशीज पाई जाती है। ज़्यादातर वहाँ पे आपको हार्बिवोरस पाया जाता है, स्पेशली बिशन जिनको कि अमेरिकन बफेलो कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी अदर जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है वो साइटोस, प्रायरीडॉक्स, स्क्विरल्स, ग्राउंड स्क्विरल्स, प्रायरीडॉक्स, रैबिट्स, ये कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनिमल स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। अब बिशन जो है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर अमेरिकन बफेलोस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रीज़न ये है माना जाता है कि ड्यू टू एक्सटेंसिव हंटिंग इन अमेरिकन बफेलोस की एक्सटेंसिव हंटिंग की वजह से धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला कि अब इनको प्रोटेक्ट कर रही है ताकि ये एंडेंजर्ड ना हो सके। अब मेजर्स ऑक्यूपेशन ऑफ प्रायरीज क्या है कि वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या, वहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग। वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इस वजह से वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। इसके साथ साथ वहाँ के जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी काफ़ी फेवरेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसमें कि वीट, मेज, सोयाबीन, पोटेटोस, कॉटन, इस टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इसके साथ साथ अल्फाल्फा भी ग्रो किया जाता है। अल्फाल्फा बेसिकली पीस जो होती है मटर की प्रजाति का एक क्रॉप होता है, जो कि स्पेशली कैटल्स के फीड करने के लिए ग्रो की जाती है। कुछ ऐसे मेजर क्रॉप्स हैं, स्पेशली मेज और वीट जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रो की जाती है। और इसके साथ साथ वो लोग एडवांस फार्मिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। उनके से अच्छी अच्छी मशीन्स, ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, और जिस वजह से जो पूरे कॉन्टिनेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो अकेला प्रायरीज फुलफिल कर देता है। इसलिए केवल अपने कॉन्टिनेंट के नहीं, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इनके स्पेशल इनका वीट जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री में भी, अदर जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पर भी सेल करते हैं। इस वजह से इनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है या फिर वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, कि सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रोडक्शन वहीं होता है पूरे वर्ल्ड। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वो है कैटल रियरिंग, यानी कि पशुपालन, स्पेशली शिप, काउ, बफेलोस, गॉट, इनका पशुपालन। बिकॉज कहीं ना कहीं स्पेशली ऐसे एरिया जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर एनिमल रियरिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया है। और एनिमल रियरिंग करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्पेशली जो डेयरी फार्मिंग में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स रहता है। रीज़न ये रहता है कि जहाँ पर रेनफॉल नहीं हो सकती, बट लेकिन वहाँ पर ग्रासेस इजीली अवेलेबल है, तो एनिमल्स के फूडर के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो एज अ रिजल्ट वहाँ के बहुत सारे पीपल जो है अब डेयरी फार्मिंग की तरफ एंगेज हो गए होते जा रहे हैं। अब ऐसे पीपल जो कि एनिमल रियर करते हैं या फिर इनको चरवाने जाते हैं अपने कैटल्स को, उनको काउबॉयज कहते हैं प्रायरीज में। इसके साथ साथ जो पूरा ग्रेट लेक है इनका अटलांटिक कोस्ट पे, उस पूरे रीजन को डेयरी बेल्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो मेजर जो ऑक्यूपेशन बनी है, लाइक जिससे एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बन गया है, डेयरी फार्मिंग मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बनी है, इसके साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। बिकॉज वहाँ पे अदर मिनरल डिपॉजिट भी मिलना स्टार्ट हो गया, लाइक कोल हो गया, आयरन हो गया, जो कि वन ऑफ द, आज आप सभी जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मिनरल है दुनिया का। ओके, और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है, क्योंकि आयरन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना स्टार्ट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं प्रायरीज की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लाई करता है, जिसमें से मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कानास, डैनवर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इन द प्रायरीज रीजन। वेरस कैंप इन द प्रायरीज ऑफ कैनाडा में जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ वो है एडमॉन्टन, सास्कटन, क्लार्गी एंड विनिपेग। ओके, अब जो हम बात करेंगे हम करेंगे अफ्रीकन वेल्ड्स की। अब हम आ जाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, जहां पर वेल्ड नाम का एक रीजन है जो कि साउथ अफ्रीका में सिचुएट करता है। ओके, ये एक बेसिकली प्लेटू रीजन है। ओके, जिसकी जो एल्टीट्यूड है, जिसका हाइट 600 से 1100 मीटर के अंदर वैरी करता है।
ओके द ग्रासलैंड स्ट्रेचेस बिटवीन हाई माउंटेन रेंज इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पर जो हाई माउंटेन रेंजेस है स्पेशली डार्क ड्रैक्सनबर्ग माउंटेन ईस्ट टू द माइटी कालारी डेजर्ट इन द वेस्ट, इसके बीच में यह पूरा वेल्ड रीजन सिचुएटेड है, यहाँ पर वो ग्रासलैंड सिचुएटेड है। यहाँ पर जो रिवर फ्लो हो रही है वो है ऑरेंज रिवर, ओके, जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है ऑरेंज रिवर, एंड द लिम्पोम्पो रिवर जो कि वेल्ड्स में थ्रू आउट द वेल्ड्स फ्लो होती है, ऑरेंज रिवर एंड लिम्पोम्पो रिवर। नाउ वेल्स है जो क्लाइमेट कंडीशन है वो काफ़ी माइल्ड है, और इसके साथ साथ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स जो स्पेशली जो वेल्ट वाला रीजन है वो इंडियन ओशन के आसपास प्रॉक्सिमिटी में लाइक करता है। समर्स इनके ज़्यादा ज़्यादा वार्म होते हैं, विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड एज वेल एज ड्राई रहते हैं, ओके, इट रेन्स इन द फॉर्म ऑफ थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द समर्स, और बारिश समर सीजन में होती है। द रीजन दिस इज मोस्ट ऑफ इज रीजन इन द समर मंथ, जो रीजन है वो ज़्यादातर बारिश समर मंथ में ही होती है, ओके, जो कि लास्ट करता है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड फेब्रुअरी, ओके। इसके साथ साथ दिस इज कॉज बाय वार्म ओशन करंट वॉशिंग इन, सॉरी, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है जून टू अगस्त में, जो विंटर सीजन जो आता है यहाँ पे विपरीत है, लाइक हमारे इंडिया में जून टू अगस्त जो होता है वो गर्मी वाला सीजन होता है, बट वहाँ पे विपरीत है, वहाँ पे जो विंटर सीजन होता है वो जून टू अगस्त रहता है। इस सीजन में जो टेम्परेचर रहता है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर वेरी करता है, कुछ कुछ एरियाज़ में बारिश होती है, ओके, नॉट ऑल द एरियाज़, ओके, हालांकि विंटर सीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं विंटर सीजन में जहाँ पे उनको सूखे का सामना करना पड़ता है। वैसे अगर हम बात करें अब वहाँ पर ग्रासलैंड की, तो टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, जो कि काफ़ी आइडियल माने जाते हैं, ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जो एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं, मैमल्स लाइक लायंस, लियोपर्ड्स, चीता, कुडू, इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ओके, इंसेक्ट्स यहाँ पे ग्रास हॉपर, टर्माइट्स, बीटल पाए जाते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन अगर हम बात करें वेल्ड्स के रीजन की, तो वहाँ पर फार्मिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एनिमल्स को रियर किया जाता है, ज़्यादा सुटेबल क्लाइमेट कंडीशंस नहीं है कि क्रॉप्स ग्रो की जा सके, ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो मानी जाती है एग्रीकल्चर को ना मानते हुए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनिमल रियरिंग की जाती है, जिसमें से शिप जो वहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा रियर की जाती है, जिनका नाम है मरीनो शिप, ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट यू नो डिमांडिंग वूल माना जाता है, या फिर सबसे अच्छा फाइन क्वालिटी ऑफ वूल जो माना जाता है इसी शिप में से आता है मरीनो शिप, जो कि वेल्स में पाई जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो है एनिमल रियरिंग, स्पेशली शिप, ओके। मरीनो शिप के अलावा एंगोरा गोट जो कि है वो भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गोट मानी जाती है, जिसका वूल बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है अराउंड द वर्ल्ड, और वेरियस फैक्ट्रीज मिल्स में इनकी डिमांड्स रहती हैं। इसके अलावा सेकेंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन वहाँ पाई जाती है वो है डेयरी फार्मिंग, ओके, कैटल रियरिंग की जाती है, स्पेशली जहाँ पर वेट और वार्म रीजन होता है वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए भी, और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी सेल भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी ये करते हैं अदर कंट्रीज एज वेल एज विद इन द कंट्री, और लोकली भी वो लोग कंजप्शन करने के अलावा वो लोग अदर जगहों पर सेल आउट भी करते हैं, ओके। नॉट ऑल द वेल्ड्स आर फर्टाइल, रीज़न यही है कि वहाँ पर एनिमल रियरिंग ही सबसे ज़्यादा नो प्रोमिनेंट जगह प्लेस क्यों मानी जाती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है, ओके, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होती, वहाँ की प्राइमरी ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग जिसमें शिप एनिमल रियरिंग जिसमें शिप को रियर किया जाता है, इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग जो है उनकी सेकेंड मोस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो वहाँ पे वीट, मेज, ओट्स, बार्ली, पोटेटोस, कुछ इस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है, इसके साथ साथ टबैको तंबाकू जो होता है वो ग्रो किया जाता है, शुगर केन और कॉटन ग्रो की जाती है, केवल एक सर्टेन जगहों पर जहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस और वहाँ पर लैंड जहाँ पर फर्टाइल हो, और लेकिन प्राइमरी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं है, केवल किन्हीं जगहों तक सीमित है, ओके। इसके साथ साथ वहाँ पे और भी अदर सोर्स हैं, जो वेल्ड्स जो रीजन है सबसे ज़्यादा मिनरल्स के लिए फेमस है, स्पेशली गोल्ड,
डायमंड्स इसके लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो गोल्ड और डायमंड की बहुत ज़्यादा रिच डिपॉजिट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा आयरन, स्टील, कोल, इनकी डिपॉजिट्स भी पाई जाती हैं, जिसमें से गोल्ड माइनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन मानी जाती है वेल्स की। ओके, जिसमें जोहानसबर्ग, कैम्ब्रिज, प्रेटोरिया कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर है वेल्स रीजन की। एंड ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर ऑक्यूपेशन, अगर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन हो सकते तो वहाँ पर अदर रिसोर्सेज है लाइक मिनरल, जो कि काफ़ी रिच मिनरल्स हैं, जो कि काफ़ी बहुमूल्य मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से जोहानसबर्ग सिटी को पूरे विश्व की गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि जोहानसबर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स पाए जाता है। इसके अलावा कैम्ब्रिज और प्रेटोरिया में डायमंड्स के खदानें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। कैम्ब्रिज और प्रेटोरिया के डायमंड की खदानें बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड्स वहाँ पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।